ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो पांचवा अध्याय श्लोक संख्या 41। चर्चा चल रही है सृष्टि की, क्रिएशन की। काफ़ी क्रिएशन हो चुकी है, देवता आ गए हैं। देवताओं के बाद बहुत शक्तियां हैं, स्पेशली एम्पावर्ड हैं अपने अपने एरिया को मैनेज करने के लिए। उनको शक्तियां दी गई हैं। हमने सुना कि किस प्रकार से देवताओं को हमें तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, लेकिन देवताओं को फॉलो करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवता मिश्रित भक्त हैं। डेफिनेटली देवता भगवान के भक्त हैं, लेकिन मिश्रित भक्त हैं विद सम डिज़ायर्स। और हमें ऐसे भक्तों का फॉलो करना चाहिए जैसे कि व्रज में व्रजवासी जो कि बिना किसी डिज़ायर के, जैसे षड गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ जी, छः गोस्वामी, और उसके बाद में हमारे आचार्य जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद और उनके शिष्य। इस प्रकार से हम जब इनको दे डोंट हैव एनी पर्सनल डिज़ायर, तो इनको फॉलो करते हैं तो हम शुद्ध भक्ति की तरफ जाते हैं। तो ये देवता बन चुके हैं, अब इन देवताओं के पास शक्ति नहीं है क्रिएशन को मैनेज करने की, तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं से लगता है कि देवता भी भगवान के परम भक्त हैं, जो संसार में लोग जानते नहीं, इसलिए देवताओं को भगवान के बराबर समझते हैं, जो कि एक अपराध है। तो ये देवता क्या प्रार्थना करते हैं, इसको सुनते हैं। मार्गन्ति यतते मुख पद्म पद्मनीरे छंदा सुपर्णीर्षियो विविक्ते यस्या घमर्षो दशरिद्वराया पदम पदम तीर्थ पदा प्रपन्ना। भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। पक्षी क्या करता है, पक्षी जहाँ भी जाता है, थोड़ी सी भी कहीं ओट सी मिलती है, कोई जगह सी ऐसी मिलती है, तो वहाँ पे अपने तिनके जोड़ने लगता है, ढूंढता रहता है घोंसला बनाने की जगह ढूंढता रहता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि महर्षि गण कौन, वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर, हाँ वेदों का पंख लेते हैं, है ना, ज्ञान के पंख लेकर उड़ते हैं और आपके कमल सदृशी मुख के घोंसले को ढूंढते हैं ताकि उस मुख में वास कर सकें, यानी कि निरंतर आपके चेहरे को देख सकें, आपकी सेवा कर सकें। हाँ, ऐसा वो शास्त्रों के माध्यम से देखते हैं। तो हम जब भगवान के रूप को देखते हैं तो भी शास्त्रों के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि हमारी आँखें कैपेबल नहीं है भगवान के दर्शन करने के। हम भगवान के विग्रह के सामने खड़े होते हैं तो भी विग्रह हमें अट्रैक्ट नहीं करता है जब तक हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर लेते हैं। हाँ, अक्सर क्योंकि प्रारंभ में हमारे हृदय में बहुत मैल होती है, तो इसलिए जब हम श्रवण करते हैं शास्त्रों का, हाँ, तो भगवान के इस सुंदर चेहरे को निहार के उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं और उनके चरणों में आश्रय ले पाते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य को उद्धार कर सकते हैं। तो नदियों की बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी पवित्र नदियां हैं जिसमें स्नान करने से भक्ति पैदा होती है। इन सब में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है गंगा, जो कि सारे पापों को धो लेती है, और यमुना, जो कि भक्ति को और ज़्यादा पैदा करने में सक्षम है। तो ये नदियाँ बड़ी पवित्र नदियाँ हैं वास्तव में। इन नदियों का सहारा भक्त लोग लेते हैं, क्योंकि वो उनका जल भी आपके चरणों से क्या है, एकदम से पवित्र हो चुका है। गंगा नदी आपके चरणों से ही निकली और चैतन्य महाप्रभु इस गंगा नदी में खेले और यमुना नदी में भगवान कृष्ण स्वयं खेले। इन नदियों में भगवान का स्पर्श है, तो ये जब हमें स्पर्श करती हैं तो भक्ति भाव पैदा होता है। हाँ, तो ये भक्त लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से आपके चरणों की शरण लेते हैं, इन नदियों की शरण लेते हैं, आपके कमल मुख रूपी घोंसले की शरण लेते हैं। इसके लिए वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपके रूप का, आपके सौंदर्य का बड़ा ही विस्तृत उल्लेख किया जाता है। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से बहुत ही चुनिंदा शब्दों में देवतागण भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्तया समृज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा वजेम तत्तंग्रेय सरोज पीठम। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्तिपूर्वक
श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से, आपके चरण कमलों के विषय में उत्सुकता पैदा करने से, केवल उत्सुकता, इसको कहते हैं हम लौल्यम, तीव्र डिजायर। जैसे कि कई बार हमारे मन में डिजायर आती है गर्मियों के दिनों में, आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, एकदम से डिजायर पैदा होगी, चलो निकलो, चलो भूख लगा लेंगे लेकिन आइसक्रीम खाएंगे, एक सब उत्सुकता पैदा होती है। तो ऐसी उत्सुकता भगवान के दर्शन करने के लिए होनी चाहिए, खासतौर पर उनके चरणों के दर्शन। तो आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्तिपूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। यस, दिस वे हम कैसे अपने निरंतर जलते हुए हृदय को शांत कर सकते हैं। इस हृदय में बहुत जलन है इच्छाओं की, क्योंकि वो इच्छाएं पूरी करने में हम सक्षम नहीं हैं, हम एक चिंगारी मात्र है, छोटे हैं हम। बहुत लोग हम दिखते हैं शरीर के अंदर बड़े हैं लेकिन आत्मा का साइज बहुत छोटा है, उसकी कैपेसिटी बहुत छोटी है, वो प्रभावित हो जाता है तीनों गुणों से, माया से, हाँ, इसलिए उसके अंदर बल की कमी है। वास्तव में बल तो बहुत है लेकिन वो अपने असली स्वभाव को भूल चुका है, इसलिए उसका बल में बहुत कमी आ गई है। जैसे हनुमान जी अपने असली स्वभाव को भूल गए थे इसलिए अपने आप को कमज़ोर समझते थे, हाँ, तो उस कारण से क्या हो गया है, हम अशांत हैं क्योंकि भौतिक इच्छाओं ने हमें खींच रखा है चारों तरफ से। कई बार हमें परिवार में एक तरफ से बच्चा खींच रहा है, एक तरफ से पत्नी खींच रही है, एक तरफ से ऑफिस वाले खींच रहे हैं, और अगर हमने दो चार और गलत काम कर रखे हैं, कुछ और भी रिश्ते बना रखे हैं, वो भी हमें खींच रहे हैं, आदमी खींच खींच के फट जाता है। इसी ये डिज़ायर्स ऐसी होती हैं, ये डिज़ायर्स हमें चारों तरफ से खींच रही होती हैं, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, हम जलते हैं। और इस जलते हुए मन को शांत करने के लिए हमें भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, ये बता रहे हैं। उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मन उनसे तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और उसके अंदर वैराग्य होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के बिना कैसा भक्ति, हाँ, जो भक्ति नहीं है, भक्ति का छलावा है। यदि हमारे अंदर भक्ति के बाद में ज्ञान और वैराग्य पैदा नहीं होता है, ज्ञान क्या है कि ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, हमें इस पोजिशन का ध्यान ही नहीं रह पा रहा है, और हमारे अंदर भौतिक संपत्तियों से, भौतिक चीज़ों से वैराग्य पैदा नहीं हो रहा है, हम अभी भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, भोगना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमने भक्ति प्रारंभ ही नहीं करी है। क्योंकि भक्ति का तुरंत लक्षण है भगवान कृष्ण से अट्रैक्शन, उनके धाम से अट्रैक्शन, और इसलिए भौतिक संसार से विरक्ति। भौतिक संसार में भक्त रहते हैं, सारी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं ये सोच के कि भगवान ने मुझे ये रोल दिया है, मुझे ये रोल अदा करना है, इससे आसक्ति नहीं बना पाते, और ये कहना है कि वो सुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये भौतिक आसक्ति हमारे दुखों का मुख्य कारण है। प्रभु बताते हैं कि उत्सुकता, इसको पहले पूरा पढ़ते हैं, कि केवल उत्सुकता तथा भक्तिपूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान और वैराग्य से प्रकाशित होता है। हम आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि उत्सुकता तथा भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से चमत्कार, महान चमत्कार होते हैं और कोई अन्य विधि इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, अब आप ऐसे चमत्कार मत सोचिए कि भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे हैं, मेरे घर में 2 किलो सोना है 4 किलो हो जाए, या केवल एक छोटी सी चेन है 50 चेनें हो जाए, ऐसे चमत्कार की बिल्कुल भी आप इच्छा मत करिए, तो गलत रास्ते में। तो चमत्कार कैसे, चमत्कार ऐसे चमत्कार जैसे प्रभुपाद ने किया। हाँ, एक आदमी ने 70 साल से 80 साल तक की एज में, 80-82 साल तक की एज में संसार में 14 बार भ्रमण कर लिया, 5000 डिसाइपल बना लिए, 108 मंदिर खोल दिए, करोड़ों का संपत्ति हो गई, फॉलोवर हो गए, आज की डेट में वो पता नहीं कितने करोड़ों में बढ़ गया है, लोग, पैसा, सब कुछ। ये चमत्कार, और ऐसे चमत्कार भक्तों के जीवन बहुत होते हैं, कितने लोग हमें रोज़ बताते हैं कि ऐसा हो गया मेरे जीवन में, ऐसा हो गया। हाँ, जो हिप्पी लोग कभी शराब और ड्रग्स को छोड़ नहीं पा रहे थे, उन हिप्पियों ने बड़े प्रसन्नता से अपने आप ही छोड़ दिया, और ये चमत्कार आज भी होने हैं। आज मुझे कोई बता रहा था 1-2 दिन पहले कि कोई है व्यक्ति, वो अपने घर में बड़ा परेशान है क्योंकि उसका बच्चा शराब पी रहा है, शराब छोड़ नहीं रहा है, तो किसी ने उसको सलाह दी है कि इस कौन में ज्वाइन करा दो, शराब छुड़ा देते हैं, हमने कोई नशा मुक्ति केंद्र तो नहीं खोला है, लेकिन फिर भी यहाँ सच्चाई तो ये है, यहाँ पे लाके लोग अपने आप ही शराब छोड़ देते हैं, ये चमत्कार ही तो हैं। हाँ, जो व्यक्ति दवाई पी के इधर उधर से नहीं छोड़ पाता है, उसका भी ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार यहाँ होते रहते हैं, तो इतने चमत्कार होते हैं यदि हम भगवान की शुद्धता से भक्ति करें, उनके चरण कमलों का ध्यान करें, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल उनकी सेवा करना हो जाए तो। क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है,
और जब भगवान ही फ्रंट में आ जाते हैं तो भक्त के जीवन में पता नहीं क्या क्या होने लगता है। आत्मज्ञान का संवर्धन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है। ऐसा वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर कैसा ज्ञान, कैसा ज्ञान? आदमी प्रवचन दे रहा है, आदमी प्रवचन दे रहा है और उसकी आसक्ति जबरदस्त है स्त्रियों में, पैसे के अंदर, तो क्या वो ज्ञान है? तो क्या ज्ञान है उसके अंदर बताइए। भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आसक्ति है यौन जीवन। हाँ, सबसे बड़ी आसक्ति यौन जीवन। हाँ, और यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। इट्स लाइक अ डॉग, लाइक एन एनिमल, जिसके जीवन में यही है। यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। जो व्यक्ति इस चमड़ी से अट्रैक्ट होता है, स्त्री पुरुष के आकर्षण से अट्रैक्ट होकर वो मर्यादा को भूल जाता है, जैसा कि आजकल हो रहा है, चारों तरफ ऐसा हो रहा है, चारों तरफ, तो इस ज्ञान से विहीन ये समाज बन चुका है। इसी से पता चलता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम टोटली क्रैश हो चुकी है, क्योंकि वो लोगों को ज्ञान नहीं दे रही। इसका मतलब, क्योंकि ज्ञान से संसार से वैराग्य पैदा होना चाहिए, लेकिन ज्ञान से संसार से और अट्रैक्शन पैदा हो रही है और इस तरह के संबंध बन रहे हैं। बता रहे हैं भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आ सकती है यौन जीवन। ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, ज्ञानी हूँ, संगी हूँ, तो इसका मतलब उसको समझ जाना चाहिए कि तभी वो ऐसा कहे जब उसके अंदर वैराग्य पैदा हुआ है। अगर उसके अंदर बड़ी हैंकरिंग है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उसका मन बड़ा विचलित है, दिन रात कुछ ना कुछ डिज़ायर पैदा होती रहती हैं, शांति नहीं है, भगवान को सर्व करने की इच्छा नहीं करने के बजाय बहुत सारी और इच्छाएं पैदा हो रही हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के प्रति भक्ति करता है तो ये दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति अभी भक्ति वास्तव में कर ही नहीं रहा है, या उसकी भक्ति में इतनी दृढ़ता नहीं है, इसके कारण से ये वैराग्य पैदा नहीं हो रहा है। विश्वस्य जन्म स्थिति संयम अर्थे कृतः अवतारस्य पदम भुजम ते व्रजेम सर्वे शरणम यत ईश ईश स्मृतम प्रयच्छति अभयम स्वपुंसाम। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन पालन संहार के लिए अवतरित होते हैं। अब ये विराट जगत की बात कर रहे हैं, सृष्टि की, जिसको इन्होंने चलाना है, तो उस चलाने के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं देवता लोग। ये सब देवताओं के श्लोक हैं। तो बता रहे हैं कि हे भगवान, आप विराट जगत के सृजन के लिए भी जिम्मेदार हैं, पालन के लिए भी हैं, संहार के लिए है। यानी कि अगर हम कहें कि शिव जी संहार के लिए हैं, ब्रह्मा जी क्रिएशन के लिए हैं, वो भी भगवान के ही गुणावतार हैं वास्तव में। इसलिए हम सभी आपके चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। इतने चरण जो है ना, भगवान के चरण इसलिए इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक दास का जो फोकस होता है वो चरणों में होता है। आप देखते हैं ना, लक्ष्मी जी भी भगवान के चरण दबाती है। चरण दबाने से कितना आराम मिलता है, ये आपने भी देखा है। अक्सर बच्चा अपने पिता के चरण दबाता है, या पत्नी अपने पति के चरण दबाती है। तो चरण दबाना दासत्व का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। भगवान के चरण तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान के चरण में जो नाखून है वो इतना, मतलब उसके अंदर इतनी चमक है, इतना वो अलग उसका अट्रैक्शन है, उस नाखून को देखकर ही व्यक्ति की सारी आसक्ति खत्म हो जाती है समाज की, वो चरणों के दर्शन से ही। तो साधारण चरण नहीं है ये, केवल नाखून देखने से आदमी आसक्त हो जाता है। और उन चरणों में बड़ी दया है एक्चुअली। चरण का ध्यान आते ही दया ध्यान में आती है। जब भगवान किसी पर करुणा करते हैं तो अपना चरण उसके सर पर रख देते हैं। इसलिए चरणों की खास विशेषता है। आप जानते हैं, एक भक्त हुए थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वो भगवान चैतन्य से मिलना चाहते थे। उनकी शादी हो गई थी, घर से निकल नहीं पा रहे थे, घर वालों ने पकड़ लिया था, पहरेदार बिठा लिए थे। हाँ, तो उन्होंने गुरु का आश्रय लिया, नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम जी का अवतार है, वो नित्यानंद प्रभु के पास चरण में गिर पड़ते हैं। और नित्यानंद प्रभु उनसे प्रसन्न होकर अपना पैर उनके सर पर रखते हैं, और उसके तुरंत बाद ही वो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के संगी बन जाते हैं। यानी कि वो घर के बंधन सारे समाप्त हो जाते हैं समाओ। तो इतनी कृपा होती है। तो चरणों में बड़ी विशेषता है। हम देखते हैं कि बलि महाराज के ऊपर एक चरण ही रखा गया, जो आज बलि का आज भी नाम लिया जाता है। ये बहुत ही भाग्यवान थे, लेकिन इस चरणों के लिए, बलि महाराज जैसा बनने के लिए सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है।
दो पदों में जब सब कुछ लूट लिया, अक्सर हमारे जीवन से सब कुछ लूट लिया जाता है तो हम बड़े दुखी, हम कहते हैं ना अक्सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, हम तो भक्ति कर रहे थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बलि महाराज ने ऐसा कोई विद्रोह नहीं किया वहाँ पर, हाँ, जबकि उनके सामने तो चीटिंग करी गई थी। साक्षात एक छोटे से ब्राह्मण ने दो पैर की जमीन मांगी थी, वो उसने अपना शरीर का साइज बढ़ा करके सारा संसार नाप लिया, फिर भी सब कुछ लुट जाने के बाद भी वो बड़े भाग्यवान थे कि उन्होंने बोला कि अब आप अपना ये चरण ही मेरे सर पर रख दीजिए, आई एम ऑल योर्स। और उस चरण रखने से ही उन्हें सारा सौभाग्य प्राप्त हो गया, हाँ, कि भगवान ने उनके यहाँ पर पहरेदारी करने का निश्चय किया। आज भी हम बलि महाराज को जानते हैं, केवल हमारे 12 महाजनों में बलि महाराज का नाम आता है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये भगवान के चरण, लेकिन इसके लिए बलि महाराज जैसा त्याग देना पड़ता है। कई लोग केवल चरण को दबाने के लिए, छूने के लिए, भागने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन चरण को छूने का मतलब है दासत्व को स्वीकार करना। यदि हमारे हृदय में दासत्व का भाव नहीं है तो फिर हमें चरण छूने के लिए नहीं सोचना चाहिए। हम किसी का सर्वेंट बनने के लिए तो तैयार होते नहीं है, हाँ, और उसका पैर छूने के लिए तैयार है कि पैर छू के कुछ कृपा मिल जाए। ध्यान रखिए, पैर को प्राप्त करने के लिए, इन चरणों को प्राप्त करने के लिए बलि महाराज जैसा त्याग बलिदान हमें देना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।